हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनआर करंट जीके क्लासेज में। दोस्तों, मैं प्रजापति सर। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी के लिए डीबी मेडिकल का फुल शेड्यूल जारी हो चुका है। आरआरसी ने जारी किया है डीबी मेडिकल की फुल डिटेल। कुल 24 दिन में यहां पर डीबी और मेडिकल खत्म किए जाएंगे। एक डिवीज़न से एक दिन में कितने छात्रों को डीबी और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, किस डिवीज़न स्टाफ द्वारा डीबी और मेडिकल कंडक्ट कराए जाएंगे, इसके अलावा दोस्तों डीबी का वेन्यू क्या होगा, डीबी कहां पर कराए जाएंगे, सेकंड डीबी मेडिकल कब से शुरू होने वाले हैं, ये सभी इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ये देखिए नोटिस, इंटरनल सर्कुलर है। यहाँ पर दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद द्वारा जारी किया गया है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सिकंदराबाद, RRC SC CN RRC /1/2019 से। दोस्तों, यहाँ पर लिखा है सीनियर DPO विजयवाड़ा, गुंटकल, नांदेड़ और गुंटूर एंड WPO TPT तिरुपति। सब्जेक्ट में लिखा है दोस्तों कंडक्टिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन DB एंड मेडिकल फॉर द लेवल 1 पोस्ट नोटिफाई इन नोटिफिकेशन नंबर CNRRC 1/2019 से रिगार्डिंग। दोस्तों, जो DB और मेडिकल कराए जाएंगे 1/2019 से, जो RRC ग्रुप डी का नोटिफिकेशन है उसके लिए दोस्तों यहाँ पर ये सब्जेक्ट दिया हुआ है। नीचे दोस्तों लिखा है एज पर द जनरल मैनेजर अप्रूवल रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सिकंदराबाद कंडक्टिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन DB एंड मेडिकल फॉर दी लेवल 1 पोस्ट नोटिफाई इन नोटिफिकेशन नंबर CNRRC 1/2019 एज पर दी फॉलोइंग शेड्यूल। ये शेड्यूल दिया दोस्तों, इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम जो चैनल है NR करंट जीके क्लासेज के नाम से जो चैनल है उस पर इसकी PDF मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपको लिंक भी दी हुई है टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप टेलीग्राम पर पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको ये जो इंटरनल सर्कुलर है जो जारी हुआ है 30/1/2023 को आपको मिल जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है कि अप्रूवल दे दिया गया है, जो जनरल मैनेजर है उसने अप्रूवल दे दिया है DB और मेडिकल के लिए RRC 1/2019 से। यहाँ पर देखिए डेट ऑफ DB, डेट ऑफ मेडिकल DBY हैदराबाद डिवीजन स्टाफ है और DBY सिकंदराबाद डिवीजन स्टाफ, इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है। DB वेन्यू, DB जहाँ पर होंगे RJC/SC, दूसरा है दोस्तों DB वेन्यू RMHS/LGD। नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर DB एंड मेडिकल पर डे कितने कैंडिडेट यहाँ पर बुलाए जाएंगे। दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड यहाँ पर दोस्तों ये लिखा हुआ है TPT तिरुपति, विजयवाड़ा, नांदेड़ और KCG का जो है दोस्तों काजीगुड़ा, गुंटकल, KZJ ये काजीपेट है, GNT गुंटूर और LGD दोस्तों लालगुड़ा। इस प्रकार से यहाँ से दोस्तों ये कैंडिडेट रहेंगे। कैंडिडेट के लिए लिखा है दोस्तों यहाँ पर 7 तारीख में डेट ऑफ DB, डेट ऑफ मेडिकल। एक दिन में दोस्तों DB कंप्लीट हो जाएगा और अगले दिन दोस्तों यहाँ पर मेडिकल के लिए आपको भेजा जाएगा। इसलिए दोस्तों जो नोटिस आते थे उसमें लिखा जाता कि DB के तुरंत बाद आपको मेडिकल कराया जाएगा, 3 से 4 दिन का समय लग सकता है, इसकी तैयारी के हिसाब से आप आएँ। टोटल 400 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा। डेट आप देख सकते हो, डेट लिखी हुई है दोस्तों 7, 8, 9, 10 से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सीधा 13 तारीख लिखी हुई है, 14, 15, 16, 17 के बाद दोस्तों 20 तारीख है। इस प्रकार से यहाँ पर डेट लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये जो DB और मेडिकल आपको पता है कि 7 फरवरी से स्टार्ट होंगे और 13 मार्च तक दोस्तों ये चलने वाले हैं। करीब 24 दिन तक ये DB मेडिकल यहाँ पर कराए जाएंगे। नीचे दोस्तों ग्रांड टोटल लिखा है 1175। इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों करीब 9400 कैंडिडेट का DB और मेडिकल कराया जाएगा। आपको पता है कि SC जो सिकंदराबाद डिवीज़न में है, जो वैकेंसी है, वैकेंसियों की संख्या दोस्तों के हिसाब से जो PET कंप्लीट हुए थे DB के लिए बुलाए गए जो छात्र थे 9303 छात्र थे, लगभग 9400 छात्रों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है। आगे देखिए दोस्तों, एज पर दी एक्सटेंड प्रोड्यूसर ऑफ DB एंड मेडिकल एग्जामिनेशन हैज टू बी कंडक्ट ऑन वेरी नेक्स्ट डे ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। DB के अगले दिन ही दोस्तों मेडिकल कराया जाएगा। PCPO प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर हैज अप्रूव्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मेडिकल मेमोज आर ब्रिंग बैक दी फिट सर्टिफिकेट फ्रॉम कंसर्न रेलवे हॉस्पिटल अंडर दियर ज्यूरिस्ट्रक्शन बाई दी स्टाफ नॉमिनेटेड बाई दी कंसर्न सर DPO एंड WPO। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर है उसने अप्रूव कर दिया है कि मेडिकल के लिए जो मेमो दिया जाता है, दोस्तों मेमो बोलते हैं उसको, मेडिकल के लिए जो आपको मेमो दिया जाता है उसमें रेलवे हॉस्पिटल का नाम लिखा होता है कि इस रेलवे हॉस्पिटल में जाके आपको मेडिकल कराना है। मेमो का दोस्तों 24 रुपये फीस है।
और मेमो एक दोस्तों मेडिकल कराने के लिए एडमिट कार्ड बोल सकते हैं, इस प्रकार से ये अप्रूव दे दिया है। और नीचे दोस्तों स्टाफ के लिए लिखा है कि इन दिस द कनेक्शन ऑफ दिस डीपीओ एंड डब्ल्यूपीओ और रेस्पेक्टिव डिवीजन वर्कशॉप आर एडवाइज टू नॉमिनेट वन स्टाफ ऑफ ईच डे ऑफ डीबी फॉर कलेक्शन ऑफ स्केल्ड कवर एंड दी हैंड ओवर एट दी रेलवे हॉस्पिटल ऑन बेरी नेक्स्ट डे एंड ब्रिंग बैक दी फिट सर्टिफिकेट आफ्टर दी मेडिकल एग्जामिनेशन दी नॉमिनेट स्टाफ हैज टू रिपोर्ट एट 2 PM ऑन दी डे ऑफ डीबी एट दी डीबी वेन्यू। दोस्तों यहाँ पर लिखा है जो मेमो दिया जाता है मेमो देने के बाद आप जिस हॉस्पिटल में जाएंगे उस हॉस्पिटल में मेडिकल कराने के बाद में जो रिपोर्ट आएगी कि आप फेल हैं पास हैं उसके लिए दोस्तों ये लिखा हुआ है कि जो रिपोर्ट है उसके लिए जो स्टाफ नॉमिनेट करना है और दोस्तों वो जो रिपोर्ट है सीधा RRC को सबमिट कर दी जाती है, RRC सिकंदराबाद को सबमिट कर दी जाती है। उसमें टाइम भी दिया है कि दो जो स्टाफ नॉमिनेट करेंगे वो 2 बजे तक DB के बाद जो मेडिकल होगा उसका जो रिपोर्ट है उसको RRC सबमिट करें, इस प्रकार से ये स्टाफ के लिए लिखा हुआ है। आप देख सकते हो दोस्तों ये 30/1/2023 से प्रेम कुमार यहाँ पर लिखा हुआ है चेयरमैन RRC, इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों ये नोटिस जारी हुआ है। इंटरनल सर्कुलर है दोस्तों, आप देख सकते हैं 30/1/2023 से आज ही के दिन ये अपडेट आई है। दोस्तों अब बात करेंगे हम कि जो पैनल है कि इसका पैनल कब जारी हो सकता है। तो दोस्तों जैसे ही मेडिकल कंप्लीट हो जाएंगे कुछ दिनों बाद आपका पार्ट पैनल वन कंप्लीट हो जाएगा और वो नोटिस आपको मिल जाएगा। जो भी जो छात्र यहाँ पर DBN मेडिकल कंप्लीट करते हैं वो उनको यहाँ पर जॉब दे दी जाएगी और जो भी सीट खाली रहेंगी, कोई छात्र नहीं पहुंच पाता है सीट खाली रहेंगी उसके लिए सेकंड डीवी निकाला जाएगा। और सेकंड डीवी करीब दोस्तों अप्रैल माह तक ये सेकंड डीवी कराया जाएगा। काफ़ी लंबी प्रोसेस रहेगी दोस्तों, डीवी मेडिकल 24 दिन तक ये चलने वाले हैं। और यहाँ पर ये दोस्तों जो अपडेट है इंटरनल सर्कुलर है, 1-2 दिन में ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगी तो आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों PDF के लिए दोस्तों मैंने बता दिया कि जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर जाके आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके ये PDF देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी के लिए धन्यवाद।